The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So namaskar, adab, sat sri akal, dosto, main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. So dosto, bahut करोड़ों सालों से लोग को किडनी स्टोन हो रहा है और किडनी स्टोन के कारण के ऊपर कई सारे लोग जो हैं बातें करते रहते हैं कि किडनी स्टोन क्यों हुआ, क्यों होता है, कैसे होता है। बहरहाल हमने ऑलरेडी आपको कई सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि किडनी स्टोन उनको होता है अव्वल जो पानी ज़्यादा नहीं पीते, दुक्कल जो एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा या जो बहुत ज़्यादा पेन किलर्स लेते हैं और उनसे किडनी डैमेज होती है और वहाँ स्टोन बनता है, जिनको बार बार किडनी में इन्फेक्शन होता है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बार बार होते हैं ऐसे लोगों को, जिन लोगों के अंदर बार बार फ्लू हो, कोल्ड हो, गला ख़राब हो, उनको भी किडनी स्टोन होने के चांसेस हैं ज़्यादा, बिकॉज वहाँ पर ऑटोइम्यून डिजीज से किडनीज़ में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन डाइटरी कारण कई लोग ज़्यादातर कैल्शियम को डोज देते हैं और यहाँ तक कि आप अगर स्टडीज़ निकाल कर देखोगे तो कुछ स्टडीज़ भी ये कहती हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा कैल्शियम ले रहे हो तो कैल्शियम ज़्यादा लेने से आपके स्टोन बनने का रिस्क बढ़ सकता है। नाउ ये क्या झोल है? नाउ हियर देर इज़ अ बिग बिग इशू। आई डोंट बिलीव दैट। व्हाई आई डोंट बिलीव दैट एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टुडे, लेट्स टॉक अबाउट इट। नाउ व्हाट इज़ इट? कैल्शियम का होम्योस्टेसिस मतलब आपके शरीर में हर चीज़ के लिए कैल्शियम चाहिए। आपका शरीर में कैल्शियम भरा हुआ है, आपकी बोन्स में, आपकी हड्डियाँ लिटरली कैल्शियम से पैक्ड हैं, पैक्ड कैल्शियम उसके आपकी बोन्स में भका भक सिर्फ कैल्शियम और फॉस्फेट भरा पड़ा है। तो जितनी ज़्यादा ताकतवर बोन उतना ज़्यादा आपके अंदर कैल्शियम है। सो इवन इफ यू डोंट टेक अ कैल्शियम सप्लीमेंट, योर बॉडी विल टेक द कैल्शियम फ्रॉम द बोन। दैट्स हाउ इट वर्क्स, कैल्शियम का होमियो, बिकॉज योर ब्लड लेवल्स चाहिए, राइट? कैल्शियम होम्योस्टेसिस बहुत ज़रूरी है। और ये क्या है, देखो यहाँ पर इंटेस्टाइन, किडनी और बोन, ये तीनों चीज़ें का इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो खा रहे हैं उसमें से इंटेस्टाइन में कितना कैल्शियम एब्जॉर्ब हुआ इस पे डिपेंड करेगा आपने दो चीज़ों पे, या रेदर तीन चीज़ों पे। इंटेस्टाइन से कितना कैल्शियम एब्जॉर्ब होएगा आपके शरीर में, आप जो खा रहे हो उससे कितना जाएगा, तीन चीज़ों पे। नंबर वन, खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, कैल्शियम रिच फूड है कि नहीं, कैल्शियम सप्लीमेंट है कि नहीं, कैल्शियम होगा तो एब्जॉर्ब होगा। नंबर टू, वाइटामिन डी कितना है, वाइटामिन डी ही नहीं है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। और नंबर थ्री, पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल कितना है। पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल का बहुत बड़ा रोल है इसमें, याद रखिए, वो डिटरमाइन करता है आपके शरीर में कैल्शियम का बैलेंस। पैराथायरॉयड हार्मोन में कैल्सिटोनिन सिक्रीट होता है, याद रखिए, उस पर बात करेंगे बाद में। याद रखिए, इंटेस्टाइन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी कई लोगों में अलग अलग होता है, जिनमें स्टोन बन रहा है उनमें अलग होता है, नॉन स्टोन वालों में जिन लोगों में स्टोन बनने की चांसेस होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, दैट इज़ देयर। और इसीलिए कई बार ऐसे लोगों को जिनको बार बार कैल्शियम स्टोन होते हैं या कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होते हैं, उनको बोल देते हैं लोग कि कैल्शियम सप्लीमेंट मत लो। लेकिन बैकग्राउंड में जो आपको समझना होगा कि कैल्शियम अकेला स्टोन नहीं बनाता, इट नेवर नेवर मेक्स अ स्टोन अलोन। यहाँ पर जो स्टोन बना रहा है उसके साथ मोस्ट कॉमन या तो कैल्शियम के साथ जुड़ता है ऑक्सलेट, राइट, या तो कैल्शियम के साथ जुड़ता है दूसरी कोई सॉल्ट। तो कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम सिट्रेट, ऐसे सॉल्ट्स होते जाते हैं, आप जो खाते हो उसमें कैल्शियम सिट्रेट हो, कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है, ऑक्सैलिक एसिड, वो अगर आपके डाइट में ज़्यादा है तब आपके अंदर स्टोन बन सकते हैं। और कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑक्सलिक एसिड जो है कई सारे खाने पीने में होते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में जिनमें स्टोन बनता है, द प्रॉब्लम इज ऑक्सलेट, नॉट द कैल्शियम। यहाँ पर आप चाहोगे तो अपना कैल्शियम लेवल्स कम कर सकते हो डाइट में कैल्शियम कम करोगे, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर ऑक्सलेट ज़्यादा है तो स्टोन फिर भी बनेगा। फिर भी अगर आप पानी कम पी रहे हो तो स्टोन बनेगा, छोटा बनेगा लेकिन बनेगा। बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम है, बहुत ही ज़्यादा ऑक्सलेट है, पानी भी नहीं पी रहे तो बड़ा स्टोन बनेगा। सो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम समझिए, कैल्शियम कम खा रहे हो तो बोन से निकल आएगा, बोन कमज़ोर होगी, सो यू डोंट वॉन्ट दैट एज वेल। सो इसीलिए आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स को समझना पड़ेगा कि कैल्शियम कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्या क्या होता है। याद रखिए,
या तो कैल्शियम ऑक्सेलेट या तो कैल्शियम फॉस्फेट, 80-90% स्टोन्स ऐसे बनते हैं। नाउ कई सारे देशों में, कई सारे जगह में यूरिन में कैल्शियम ना निकले इसके लिए प्रिवेंशन करी जा रहा है और इसे सोचा जा रहा है कि उससे कैल्शियम जो है कम स्टोन बनाएगा, जहां तक बात है, राइट। अब इसमें हमें क्या समझना है, नंबर एक, आपके शरीर में विटामिन डी लेवल्स आपको चेक कराने पड़ेंगे। कैल्सिटोनिन या पैराथायरॉइड हार्मोन का है तो ज़्यादा कुछ आपको टेंशन नहीं लेनी, अनलेस एंड अंटिल आपका ब्लड कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी क्या करती है, ब्लड में जितना उसको कैल्शियम चाहिए, 8, 9, 10 का जो लेवल होता है उसका, उतना कैल्शियम मेंटेन रखती है और उसके ऊपर का जो कैल्शियम होता है या तो हड्डी में जाता है, अगर हड्डी में जगह है तो, बोन में जगह है तो, अगर बोन में जगह नहीं है, बोन भी भरी है और ब्लड भी भरा है, तो वो यूरिन में निकल जाता है। सो योर बॉडी एक्सक्रीट्स द रेस्ट ऑफ द कैल्शियम, वॉट एवर इज लेफ्ट, देन ऑब्वियसली कुछ मात्रा में तो कैल्शियम हमेशा से एक्सक्रीट होता ही है यूरिन में। सो यूरिन में अगर फ्लो अच्छा होगा, पानी अच्छा होगा, तो स्टोन नहीं बनेगा। यूरिन में पहले पहला रूल है पानी खूब सारा पीना। द सेकेंड रूल इज अपना विटामिन डी चेक कराओ अपना। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बोन्स में पेन हो रहा है, तो बोन स्कैन करा सकते हो। सो कैल्शियम के लिए दीज टू थिंग्स, विटामिन डी एंड बोन स्कैन बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन डी कम है तो विटामिन डी लो, उससे क्या होगा, जो रेगुलर कैरम खा रहे हो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा आपका। पैराथायरॉयड हार्मोन डायरेक्टली इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अफेक्ट नहीं करता। यहाँ पर पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, अगर बॉडी में कैल्शियम कम है तो बोन से घपा घप कैल्शियम निकालते जाते हैं, तो वो पैराथायरॉयड हार्मोन करता है। तो अगर आपके अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा है तो आपकी बोन से कैल्शियम निकल निकल के खून में आता जाएगा और खून में कैल्शियम बढ़ता जाएगा और वो यूरिन से निकलने की कोशिश होती जाएगी और यूरिन में कैल्शियम बढ़ता जाएगा और वहाँ पर कैल्शियम जमा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, कैल्शियम और साथ में ऑक्सेलेट भी हुआ तो, नहीं तो कैल्शियम फॉस्फेट। अल्टीमेटली ऑल दीज थिंग्स छोटा छोटा रोल है, कोई भी एक चीज़ अकेला कारण नहीं है, सो रिमेंबर देम, कोई भी एक चीज़ अकेला कारण नहीं है, यू नीड टू हैव अ बैलेंस। इसीलिए आपको विटामिन डी, B12, कैल्शियम लेवल्स रेगुलर हर साल चेक करने होते हैं कि भाई ये ज़्यादा तो नहीं हो गए, कहीं ये कम तो नहीं है। कम है, अगर आपके ब्लड में ही कैल्शियम कम है तो सोच के देखो फिर बोन में भी कम हो गए, फिर या तो आपके पैरा का, या तो बोन में भी बहुत कम हो गए, हड्डियाँ भी दर्द हो रही है, विटामिन डी भी कम है, तो एवरीथिंग इज लेस। देन यू हैव टू फिल थिंग्स, राइट, देन यू हैव टू फिल थिंग्स इन स्पाइट ऑफ कि आपका विटामिन डी, आपका किडनी स्टोन रहता है, डजेंट मैटर, देन यू नीड सम सप्लीमेंट्स। आपका रेगुलर कैल्शियम जो इंटेक का रिक्वायरमेंट है वो 1000 to 1.5000 milligrams पर डे का है। आप उसको रेगुलर डाइट में लेते हो या आप सप्लीमेंट लेते हो, डजेंट मैटर, उम्र के साथ आपका कैल्शियम रिक्वायरमेंट बढ़ता जाता है, बिकॉज हड्डियों की कमजोरी सब में आनी है, स्टोन तो कुछ लोगों में होना, राइट, स्टोन याद रखिए, हर इंसान जो कैल्शियम सप्लीमेंट लेता है उसको स्टोन नहीं होता, लेकिन हर इंसान जो कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं लेता उसको एक उम्र के बाद हड्डियों में प्रॉब्लम आएगी आएगी। सो यू नीड कैल्शियम सप्लीमेंट आफ्टर अ सर्टन एज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट देयर इटसेल्फ यू हैव टू चेक फॉर हाइपर कैल्शियमिया ऑल्सो, कैल्शियम आपके ब्लड में ज़्यादा ना हो जाए। दैट इज ओनली 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 कुछ लोगों में होता है, हर एक में नहीं होता। और कैल्शियम ज़्यादा होने का एक ही कारण है, आपका या तो बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट ले रहे हो बहुत ही ज़्यादा, या तो आप प्रोकैल्सिटोनिन आपका ज़्यादा हो गया है, याद रखिए, यानी कि ये पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा हो गया कैल्सिटोन पर, तो दैट इज़ देयर। सो ये चीज़ें मायने रखती हैं आपको समझने के लिए कि डाइट में आपको कैल्शियम रखना है। अगर आप डाइट में एक लो कैल्शियम डाइट रखते हो तो दैट इज़ नॉट द, कई बार लोग प्रिवेंशन के लिए लो कैल्शियम डाइट रख भी सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड बाय मी, ओके। सो आई वुड रिकमेंड कि आप एक अच्छी कैल्शियम डाइट लीजिए, एक डाइट में अच्छा 1000 मिलीग्राम कैल्शियम आपका होना चाहिए। अगर आपको कैल्शियम स्टोन्स हैं तो आप रेगुलरली अपना कैल्शियम और बाकी चीज़ें चेक करें, 1200 मिलीग्राम पर डे इज़ द रिकमेंडेड थिंग। लो में मतलब अगर 500 भी नहीं ले रहे हो तो बहुत लो। सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू टेक केयर, और आप अपना किडनी स्टोन का रिस्क कम कर सकते हैं अगर आप पानी ज़्यादा पियेंगे, इन्फेक्शन अवॉइड करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं किडनी के अलावा, किडनी के एस्पेक्ट्स है जो मैंने कई सारे वीडियो में समझाई है। आई होप दिस वीडियो क्लियर्स माई पॉइंट ऑफ व्यू हियर। सो बहुत ज़्यादा कैल्शियम नहीं लेना है कि हम 3000-2000 मिलीग्राम पर डे ले रहे हैं, उतना भी नहीं लेना है, बट 1000 से नीचे मत जाइए, 1500 से ऊपर मत जाइए, मेरा हिसाब ये है।
So that's my recommendation here. So hope this video was helpful. बाकी कोई क्योंकि बहुत ज़रूरी है कैल्शियम, हर एक सेलुलर फंक्शन के लिए ज़रूरी है. एवरी सिंगल बॉडी सेल नीड्स कैल्शियम. सो यू नीड कैल्शियम. डोंट अवॉइड कैल्शियम. ओके, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लेट मी नो वट एवर क्वेश्चन यू हैव. आई ट्राई टू आंसर. थैंक यू.